हे गाइस, वेलकम टू फेस जोन। आज हम इस एपिसोड में जानने वाले हैं डीजल कार और पेट्रोल कार में कौन सी बेहतर है। डीजल कार और पेट्रोल कार में कौन सी बेहतर है, अगर आप कोई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको इन दोनों के बीच अंतर क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको इसके बारे में जानकारी होती है तो आप अपने लिए सही कार चुन सकते हैं। जब भी हम कार खरीदने जाते हैं तो हमारे पास पेट्रोल और डीजल के दो मुख्य ऑप्शन होते हैं। हालांकि कई जगह इलेक्ट्रिक कार का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार साधारण कार के मुकाबले काफी महंगी होती हैं और महंगी होने की वजह से बहुत कम लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं। ऐसे में बाजार में पेट्रोल और डीजल का ऑप्शन होता है। इन दोनों कार में अंतर होने की वजह से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और तय नहीं कर पाते कि कौन सी कार ले। यहां हम आपको दोनों कार में मौजूद कुछ मुख्य अंतर बताने जा रहे हैं, जिससे आपको इन्हें समझने में आसानी होगी। डीजल कार और पेट्रोल कार में कौन सी बेहतर है। एक, कीमत में अंतर। किसी भी कार का डीजल वेरिएंट पेट्रोल वेरिएंट से महंगा रहता है। यदि आप 10 लाख से कम कीमत की कार को देखेंगे तो दोनों में आपको 1.50 लाख रुपए तक का अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर लोकप्रिय कार मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार को ही ले लीजिए। मारुति सुजुकी स्विफ्ट पेट्रोल की एक्स शोरूम दिल्ली की कीमत 4.99 लाख है, जबकि मारुति सुजुकी स्विफ्ट डीजल की कीमत 6.87 लाख रुपए है। दो, पावर। पेट्रोल कार को बेहतरीन पिकअप वाली कार माना जाता है। जब आप एक्सेलरेटर पेडल दबाते हैं तो कार एकदम से स्पीड पकड़ती है, लेकिन एक निश्चित आरपीएम्स के बाद कार की पावर थोड़ी स्लो हो जाती है। पेट्रोल कार में हॉर्स पावर तो अच्छा होता है, लेकिन इसमें टॉर्क कम रहता है, जबकि डीजल कार आमतौर पर टर्बोचार्ज के साथ आती हैं, जो टॉर्क को बढ़ाने में मदद करता है। तीन, माइलेज। जहां तक माइलेज की बात करें तो दोनों कार में आपको एवरेज यानी माइलेज थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। पेट्रोल कार की तुलना में डीजल कार का माइलेज बेहतर होता है। उदाहरण के तौर पर एक तरफ जहां मारुति सुजुकी स्विफ्ट पेट्रोल वेरिएंट 22 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है, वहीं दूसरी तरफ मारुति सुजुकी स्विफ्ट डीजल वेरिएंट 28 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है। चार, सर्विस और मेंटेनेंस की कॉस्ट। अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं तो आपको पेट्रोल और डीजल दोनों कारों की सर्विस और मेंटेनेंस की कॉस्ट पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कार खरीदने के बाद एक निश्चित समय के बाद आपको कार की सर्विस करानी पड़ती है। एक तरफ जहां मारुति सुजुकी स्विफ्ट पेट्रोल वेरिएंट की सर्विस 2,000 से 6,000 रुपए के बीच आती है, वहीं दूसरी तरफ मारुति सुजुकी स्विफ्ट डीजल वेरिएंट की सर्विस कॉस्ट 3,500 से 7,500 तक आती है। पांच, सफर की दूरी। यहां तक आप जान गए होंगे कि पेट्रोल और डीजल में अंतर क्या है। अब आपको ये भी जानना चाहिए कितनी दूरी के लिए कौन सी कार सही है। तो कार एक्सपर्ट की माने तो लंबी दूरी के सफर के लिए डीजल कार बेस्ट होती हैं, जबकि कम दूरी यानी सिर्फ शहर में ही चलाने के लिए पेट्रोल कार अच्छी साबित होती हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल कार में डीजल कार की तुलना में कम पार्ट्स लगे होते हैं। इसके अलावा डीजल वाली गाड़ी में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है और इस गर्मी को दूर करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं, जो काफी महंगे होते हैं। इसके साथ डीजल कार में इग्निशन की प्रक्रिया के लिए कंप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पेट्रोल कार में ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है। इस वजह से भी पेट्रोल कार डीजल कार से सस्ती होती है। तो अब आप जान गए होंगे कि डीजल कार और पेट्रोल कार में कौन सी बेहतर है। यहां हमने आपको कुछ मुख्य विषयों के बारे में बताया है, जिससे आपको दोनों कार के बीच अंतर समझने आसानी हुई होगी। इससे यह पता चलता है कि भले ही डीजल कार पेट्रोल कार से 1 से 2 लाख महंगी होती है, लेकिन इनमें अच्छा एवरेज मिलने के साथ इनकी पावर पेट्रोल कार की तुलना में अच्छी होती है। इसके अलावा लगातार सफर करने वाले लोगों के लिए डीजल कार बेस्ट होती हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, ताकि आप हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाए सबसे पहले। वीडियो को लाइक करो, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद।